रोहिणी तीर्थ नर्मदा राजघाट के जन सहयोग से बने नवीन घाट पर नगरपालिका सहगांव संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान, वहीं नवीन घाट के प्रेरणा पुरुष एवं टीम का समिति द्वारा सम्मान किया गया। बता दें नवीन घाट करीब 1.25 करोड़ की लागत से 2016-17 के बाद बना और 8 महीनों में बनाया गया था। दरअसल सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर से रियासत कालीन घाट डूबा रहता है, वहीं श्रद्धालुओं के स्नान जल आचमन पूजन में होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए 2016-17 में धार जिले के समाज सेवी मोहन यादव और टीम द्वारा रोहिणी तीर्थ नर्मदा पर नवीन घाट निर्माण के लिए बैठक कर घाट निर्माण का संकल्प लिया। वहीं देखते ही देखते जन सहयोग से 8 महीनों में ही विशाल घाट बनकर तैयार हो गया। आज रोहिणी तीर्थ बड़वानी घाट समिति द्वारा घाट निर्माण में सहयोग देने वाले प्रमुख लोगों का सम्मान किया गया। वहीं सुबह से ही नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सफाई मित्रों और संकट मोचन हनुमान मंदिर सहगांव समिति सदस्यों द्वारा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा टैंकर मंगवाकर घाट को स्वच्छ कर आम जनों के प्रति रविवार होने वाले स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए अपील की गई। तो जिसने उसका बीड़ा उठाकर सबको मोटिवेट किया है ना, जैसे हमारे मोहन भाई, अब इनके जैसे नाम में नहीं थे मोहन, जिसको कोई मोह ना हो, निस्वार्थ भाव से पहले एक घाट का निर्माण किया, उसके बाद बड़वानी और अब तीसरे घाट का पुथड़ा, पुथड़ा में कर रहे मोहन वहाँ का भी घाट का निर्माण का बीड़ा इन्होंने उठा लिया है। तो ऐसे जो दिव्य पुरुष होते हैं, हम कहते हैं ना कि भगवान अवतार, हम भगवान को नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान उन लोगों को प्रेरणा देता है जो समाज में आगे आकर इन चीज़ों का बीड़ा उठाते हैं। ऐसे लोग जो समाज सेवक होते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों को जोड़कर उनसे अंशदान लेकर, लेकिन अपना कीमती समय देते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है? समय का दान, क्योंकि भगवान ने हम सबको गिनती की सांसें, गिनती के क्षण और गिनती के दिन दिए हैं, इससे एक सांस आप ऊपर नहीं ले पाएंगे। नर्मदे हर, आज नर्मदा तट पर सफाई अभियान किया गया है। नगर पालिका के सारे पार्षदगण, संकट मोचन हनुमान समिति के सभी सदस्य और हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई मित्र, सभी ने सफाई अभियान चलाया है। हम नागरिकों से यही निवेदन करते हैं कि नर्मदा नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा पूरा सहयोग करें। बड़वानी से विजय निकुंग की रिपोर्ट।